नाजिर नवामी न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको इस वक्त जामशोरों खबर देते चले कि सिक्योरिटी महकमा इतलात सिंध रफीक अहमद बुरड़ो ने जामशोरों पहुंचकर महकमा इतलात के जेर तैमीर इमारत के काम का जायजा लिया और जारी काम को मजीद तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि तरक्याती मनसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए महकमा खजाना से जल्द फंड जारी कराए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसील बता रहे जामशोरों से अवामी न्यूज के रिपोर्टर रब नवाज शाह अपनी इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी महकमा इतलात सिंध रफीक अहमद बुरड़ो ने जामशोरों पहुंचकर महकमा इतलात की जेर तामीर इमारत के काम का जायजा लिया और जारी काम को मजीद तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि तरक्याती मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए महकमा खजाना से जल्द फंड जारी कराए जाएंगे। इस मौके पर डिविजनल डायरेक्टर महकमा इतलात हैदराबाद ज़ुल्फ़िकार अली शेख, डिप्टी डायरेक्टर इतलात जामशोरों मोहम्मद साबिर काका और महकमा बिल्डिंग के इंजीनियर ने जारी काम के हवाले से सेक्रेटरी इतलात को पेश रफ्त से मुतालिक आगाह किया। सेक्रेटरी इतलात रफीक अहमद बुरड़ो ने कहा कि महकमा इतलात में जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक बड़े पैमाने पर असलाहत लाने के लिए मनसूबा बंदी भी की जा रही है। महकमे के अफसरान और टेक्निकल अमले की सलाहियतों में इजाफा करने के लिए कराची, हैदराबाद और सखर में तरबियती प्रोग्राम भी जारी हैं। सेक्रेटरी इतलात ने डिविजनल डायरेक्टर इतलात हैदराबाद को हिदायत की कि तरबियती प्रोग्राम में तमाम अफसरान की हाजिरी को यकीनी बनाएँ। जो अफसरान तरबियती प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो रहे हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी इतलात ने अफसरान को तरक्याती स्कीमों की जाती तौर पर निगरानी करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awaminewshd.com।